तो देखो बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से मेटल नॉन मेटल का पार्ट टू जो बचा हुआ था ना वो। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ना, एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं? एलिमेंट आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं? तो एलिमेंट जो है एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं बाय लूजिंग और गेनिंग या फिर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या करते हैं, या तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, शेयर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को पूरा कर सकें, टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, ताकि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को पूरा कर सकें। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो देखो, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिन्हें हम मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस हो, जिन्हें अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ऐसे एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। अगर किसी के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दो है या तीन है, तो ऐसे एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं, जिन्हें हम कैटायन बोलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं, जिसे अपन कैटायन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के पास 5, 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो वह एलिमेंट क्या करता है, किसी और दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है, जिसे अपन अनायन बोलते हैं। तो कैटाइन पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है। देखो मैंने बीच में साइन रेड कलर के बनाए हैं याद करने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी एलिमेंट के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो ना वो इजीली लूज कर सकता है उन 4 को, ना ही इजीली गेन कर सकता है किसी से 4। तो वो अपनी ऑक्टेट को, अपनी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए क्या करता है कि ना, किसी और से, सबसे इजी उसको यही लगता है कि किसी और एलिमेंट जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस हैं, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस हैं, उससे वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। अब कैसे करता है, तो वैसे तो मैंने डायग्राम यहाँ बना दिया है, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ कि चीज होती कैसे है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैं पहले शेयरिंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शेयर करके कैसे काम बनता है इनका। देखो, मान लिया मैंने, जैसे मेरे पास कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस हैं, देखो 1, 2, 3, 4। अब इसको अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसको अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बेटा 8 इलेक्ट्रॉन की कमी है, नहीं सॉरी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इसके बाजू में क्या होता है ना, एक हाइड्रोजन जा रहा होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन लेता है। हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो हाइड्रोजन बोलता है भाई हमको ना दो, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोगे क्या? तो कार्बन कहता है ठीक है, एक शर्त पे अपने जैसे 3 और पकड़ के ला। तो ये हाइड्रोजन गया अपने जैसे 3 हाइड्रोजन और लेके आ गया, ठीक है, अपने जैसे 3 हाइड्रोजन और ले आया। तो देखो, हाइड्रोजन को अपने आउटर मोस्ट में 2 ही पूरे करने होते हैं, उसके 2 हो गए, एक रेड वाला ले लिया उसने और एक ब्लैक वाला ले लिया। इसका भैया डबलेट पूरा है, हाइड्रोजन और हीलियम को 2 ही पूरे करने होते हैं, डबलेट ही पूरी करनी होती है। ऐसे इस वाले ने भी अपने 2 पूरे कर लिए, इसने भी 2 अपने पूरे कर लिए, और इसने भी अपने 2 पूरे कर लिए। अब बचा आपका कार्बन, कहता बहुत हुआ मजा, ठीक है, अब देखो मेरे को तो 8 पूरे करने थे, लेकिन तुम तो अपने 2-2 लेकर चलते बनने की कोशिश कर रहे हो। तो इसने क्या किया, ये देखो ऐसा करके फंदा डाला, और 8ों के 8ों इलेक्ट्रॉन्स अपने कब्जे में ले लिए, ठीक है। तो अब ये है शेयरिंग, अब ये है शेयरिंग, इन्होंने शेयरिंग कर ली, और शेयर करके क्या बनाया, C8H1C और 4H, यानी CH4, जिसे हम मीथेन कहते हैं। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो है, कई एलिमेंट्स अपनी ऑक्टेट को पूरा करते हैं। सिलिकन भी सेम को ऐसे ही करता है। लेकिन बेटा जब बात सोडियम की आती है ना, ठीक है, बात सोडियम की आती है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है कितना है, 11।
अगर मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो पहली शेल में 2, अगली में 8 और जो लास्ट शेल है उसमें कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 11। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो अभी सोडियम के ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0। इस केस में सोडियम के पास नेट चार्ज कितना है, 0। क्यों? क्योंकि सोडियम एटम है ये, अभी ये सोडियम एटम है, ठीक है। तो अब देखो, तो सोडियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 11। और जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन, वो भी 11। तो सोडियम के ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0। 11 माइनस का, 11 प्लस का, तो अभी सोडियम के ऊपर नेट चार्ज 0 है। लेकिन क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये एक फालतू इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला, उसको बड़ा दिक्कत देता है, तो सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, फेंक देता है, कहता जाओ। तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, तो वो बन जाता है सोडियम प्लस, Na प्लस, ठीक है। Na प्लस कैसे बना वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अब आपके उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 8, 10। एक तो छोड़ दिया ना, तब इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं उसके, कितने हैं उसके पास, 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो लूज करके बैठा। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लेकिन प्रोटॉन ना ही लूज किए जा सकते हैं, ना ही गेन ना शेयर, तो प्रोटॉन कितने हैं, 11। प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो 10 माइनस का, 11 प्लस का, तो नेट चार्ज कितना आ गया, 1 प्लस का 1। यही प्लस 1 सोडियम के ऊपर लग चुका है, यही प्लस 1 जो है बेटा सोडियम के ऊपर लग गया है, ठीक है। यही प्लस 1 जो हमारा क्या हुआ है, सोडियम के ऊपर लग गया है, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से सोडियम ने भी क्या किया, अपनी ऑक्टेट को पूरा कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। क्लोरीन, अब क्लोरीन की मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 17। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 287, कितना, 287। अब इसको अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो क्लोरीन के पास पहले 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब कितने हो गए, 18। अब कितने हो गए, 18, 288 इसकी ऑक्टेट पूरी होगी क्लोरीन की। अब देखो, तो इनिशियली क्लोरीन के पास प्रोटॉन 17 थे, इलेक्ट्रॉन भी 17 थे, तो नेट चार्ज 0 था। लेकिन अब क्या किया है क्लोरीन ने, कि प्रोटॉन तो 17 ही है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। तो प्लस का 17 और माइनस का 18, तो माइनस 1 आया, कितना आया, माइनस 1। तो अभी जो माइनस 1 आया ना, वही क्लोरीन के ऊपर साइन लग जाता है, तो क्लोरीन Cl- नाम का कैटाइन बन जाता है, क्लोरीन जो हमारा Cl- का कैटाइन बन जाता है, ठीक है। तो ये तो कहानी है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं या फिर शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा भी कहानी है, आगे समझते हैं हम इन सब चीजों से, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हल्का सा। तो देखो बेटा, तो हम यहां यहां पे क्या देख रहे हैं वो देखो, मैं तुम्हें आज ना आयनिक कंपाउंड बना के दिखाऊंगा। तुमने अभी देखा ना, जो मैंने कहानी दिखाई आपको सोडियम क्लोरीन की, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन की जो मैं आपको कहानी दिखाने की कोशिश कर रहा था, एक बार दोबारा देखो। सोडियम के पास देने के लिए फालतू आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 1, कितना है, 1, इधर देखो। तो सोडियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेटा कितना है, 1 फालतू इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1। अब बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास, क्लोरीन के पास। तो भैया क्लोरीन ने सोडियम को बोला क्या, सोडियम ने ही देखा कि मेरे पास एक फालतू है,
है ना। तो अब मुझे कोई सात तो देने से रहा अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ अपना ये वाला ना इसको रेड से कर देता हूँ, ये वाला इस क्लोरीन को जिसके पास एक की कमी है उसको दान कर देता हूँ, उसको मैं दान कर देता हूँ। तो देखो यानी भेज दिया, तो अब देखो बनेगा क्या। एनए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज किया ना बेटा, एनए ने जैसा ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एनए तो प्लस का हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही बन गया वो कैटाइन, बचा क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन का खेल देखो, क्लोरीन ने क्या किया है, क्लोरीन का देखते जाओ, एक दो दो तीन चार पाँच छ सात, और एक ये लाल वाला भी तो लिया है ना, अभी लाल वाला भी तो लिया, तो ये इसके हो गए आठ, तो क्लोरीन के हो गए बेटा अब हमारे आठ, ये हमारे क्लोरीन के कितने हो चुके हैं दिख रहे हैं ना, आठ हो गए हैं क्लोरीन के। ठीक है, क्लोरीन के कितने हो चुके हैं हमारे, आठ हो चुके हैं। तो अब देखो जब ये इसके आठ हो ही गए हैं, तो अब इसके ऊपर चार्ज जो लग जाएगा ना आठ लगते ही, ठीक है, तो एन ए तो जो है बेटा वो आपका प्लस का हो जाएगा, और सी एल जो है वो आपका अभी एक लेकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा एन ए एन ए प्लस सी एल माइनस मिलकर एन ए सी एल तैयार होता है। ठीक है, और इस तरीके से जब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा उसको गेन करता है, ठीक है, तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड्स बनते हैं तो उस तरीके के कंपाउंड को अपन आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। देखो तो सोडियम और क्लोरीन आयंस अपोजिटिवली चार्ज हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब अट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों को आपस में पकड़ के रखने वाला जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, और ये NaCl को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है, इनके बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है, तो देखो भाई तो हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। तो ऐसे कंपाउंड्स जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, मतलब जब एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनते हैं बेटा उनको अपन आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो देखो अब गौर से, ऐसे ही आपकी स्क्रीन पे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन भी है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन भी है, तो इसको जरा गौर से समझना कि कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो गौर से देखना है कैसे बन रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो यहां देखो, अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की, ठीक है, मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 12, 282। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरा करने के लिए इसके लिए दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना बड़ा आसान है। मैग्नीशियम क्या करता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये बन जाता है 2.8, क्योंकि दो लूज किए तो यहाँ 2+ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा एक क्लोरीन होता है 17, 2.8.7। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ठीक है, इसको जो है अपनी ऑक्टेट को पूरा करना है, तो ये क्या करता है ना, पहले से ही जो है, तो क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है बेटा सी एल माइनस, और इसके आउटर मोस्ट में 2.88, तो ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच का पूरा खेल समझना है, तो देखो क्या हो, हमारा मैग्नीशियम है
हमें पता है इसके आउटर मोस्ट में कितने दो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हैं, कितने दो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हैं, ये रहे दो, ठीक है। फिर हमारे पास क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, ऐसी एक अगला क्लोरीन और, एक दो तीन चार पाँच छ सात। तो देखो अभी इस क्लोरीन को अपना, ऊपर वाले क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, मैग्नीशियम बोलता ले रख, ले रख, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के वहां चला गया। ऐसे एक ये वाला भी है, एक हमारा ये वाला भी है, तो ये वाला भी उठ के यहाँ चला जाता है, ये वाला भी उठ के यहाँ चला जाता है। तब दोनों क्लोरीन के पास मैग्नीशियम, दोनों क्लोरीन ने मिलकर मैग्नीशियम का एक एक इलेक्ट्रॉन लूट लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूट लिया। अब लूट के बने क्या, तो क्योंकि मैग्नीशियम ने अपने दो, मैग्नीशियम ने अपने दो लूज कर दिए हैं, तो Mg2+ हो जाएगा। बात आती है क्लोरीन की, बात आती है बेटा क्लोरीन की Cl, ठीक है। तो क्लोरीन ने क्या किया था, एक क्लोरीन ने क्या किया था वो समझो, एक क्लोरीन क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, ये कर रहा था ना, ठीक है। तो एक क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, कितना, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो खुद तो माइनस का तैयार हो जा रहा है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है माइनस का, सिंगल क्लोरीन, माइनस का साइन एक्वायर करता है माइनस का, ये हमारा इलेक्ट्रॉन गया है और ये माइनस का साइन एक्वायर करता है। लेकिन यहाँ क्लोरीन कितने थे, क्लोरीन कितने थे, तो अब ये मिलकर क्या बन जाता है, MgCl2, MgCl2 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम कि Mg प्लस Cl2, ये हमारा बनता है बेटा MgCl, ठीक है, MgCl2, तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। देखो अब आपसे पूछ लेता है चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स का मतलब होता है वो सब्सटेंस जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है किसी भी चीज के अंदर। तो मेटल के अंदर जो बेटा चार्ज कैरियर, जो चार्ज को कैरी करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल के अंदर जो चार्ज को कैरी करते हैं वो हमारे कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। और जो नॉ और इलेक्ट्रोलाइट्स जो लिक्विड फॉर्म में, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट पता ना आपको क्या होता है, लिखा है द लिक्विड भी चलाओ इलेक्ट्रिक करंट भी पास थ्रू देन, ऐसे लिक्विड जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, आइंस, ठीक है, आइंस, जैसे आपने चैप्टर टू पढ़ा होगा, तो चैप्टर टू में बोला था ना सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही एसिड बेसिस और वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, है ना। तो जो तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों करंट कंडक्ट करते हैं और किस वजह से करते हैं, आइंस की वजह से, क्योंकि वो आइंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का चार्ज कैरियर कौन है, चार्ज को कौन कैरी करा रहा है, आयन। और मेटल में क्यों, मेटल में क्यों, इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना चल रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, करंट मूव कर रहा है, ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में मैंने बता दिया, टैप वाटर हल्के का पानी, डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता, एसिड बेसिस ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो लिक्विड्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, ठीक है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं उनको अपन नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे प्योर वाटर, एक्चुअल में डिस्टिल्ड वाटर लिखना चाहिए था मुझे, एल्कोहल, ठीक है, प्योर वाटर काट देता हूँ कल को, तुम लोग कहीं मेरी वजह से फंस ना जाओ, ठीक है, तो आई विल मेक इट डिस्टिल्ड वाटर, चलो उधर देखो, डिस्टिल्ड वाटर। वैसे तुम्हारी टीचर को भी पता है प्योर वाटर का क्या मतलब है, लेकिन उस दिन जिस दिन नंबर काटने पे आएगी उस दिन उसको डिस्टिल्ड ही लिखा चाहिए, तो हमने डिस्टिल्ड वाटर लिख दिया है। एल्कोहल, ग्लूकोज, कैरोसिन और पेट्रोल, ये अपने ये आयंस में नहीं टूट सकते, इसीलिए करंट को भी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हमारा ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना के दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या क्या चीजें चाहिए होती है, एक सोर्स ऑफ करंट चाहिए होता है जिसे बैटरी कहते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट, पता ना इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है अभी पढ़ाया, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं,
वैसल बर्तन जिसमें सब करने वाले हो, बल्ब, एक बल्ब चाहिए एक की चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स ये वो रॉड्स होती हैं जिसके अंदर से करंट या तो सॉल्यूशन में घुसता है या फिर सॉल्यूशन को लीक करता है। तो दो तरीके के हैं इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड है। एनोड वो होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो बैटरी के, या फिर जहाँ से करंट सॉल्यूशन में एंटर करेगा। कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, या फिर जहाँ से करंट इलेक्ट्रोलाइट को छोड़ के बाहर जाता है, ठीक है। तो एनोड जो है पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, लेकिन इन पे चिपकने वाले एनाइन आयंस वो उल्टे होते हैं, एनाइन नेगेटिव और कैटाइन पॉजिटिव, ठीक है। अब आते हैं बेटा मेन इंपॉर्टेंट बात पे। तो बस इस एक्टिविटी में वही था कि कौन कौन करंट कंडक्ट करेगा, कौन कौन नहीं करेगा। तो देखो अल्कोहल, ग्लूकोज, डिस्टिल्ड वाटर, कैरोसिन वगैरह आयंस में ब्रेक नहीं हो सकते, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, बेटा ये टॉपिक भी है और से क्वेश्चंस भी उठते हैं ना, तो मैं टॉपिक और क्वेश्चन दोनों के हिसाब से, देखो आपसे कहेगा कि नेम एनी थ्री, नेम नहीं, डिस्कस एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो फिजिकल नेचर बताना होता है आपको, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताना होता है आपको, सॉल्युबिलिटी बतानी होती है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बतानी होती है, ठीक है। ये चार हैं, फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसके अलावा सॉल्युबिलिटी और कंडक्शन, और इनका रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों। तो देखो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आयनिक कंपाउंड जो है वो हार्ड और सॉलिड क्यों। तो आयनिक कंपाउंड जो है ना बेटा हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्योंकि क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस के बीच में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है ना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपोजिट चार्ज है ना, एक दूसरे को बहुत ज्यादा पावर से खींचेंगे, फोर्स से खींचेंगे, ये फोर्स न्यूक्लियस से जनरेट होता है, ठीक है। तो दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके हार्ड होते हैं, तो हार्ड होने की वजह से ब्रिटल होते हैं, हथौड़ा वथौड़ा मारोगे, प्रेशर लगाओगे तो कैन ब्रेक इनटू पीसेस, इसी का मतलब होता है ब्रिटल, चूरा चूरा हो जाना, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा, अच्छा मैं बता देता हूँ, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है ना आयनिक कंपाउंड का एक्सट्रीमली हाई होता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्यों होता है। तो दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, अगेन जो इनके आयंस के बीच में, अपोजिट आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा हीट चाहिए होगी, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो है आयनिक कंपाउंड की बेटा सॉल्युबिलिटी है। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो है आयनिक कंपाउंड की बेटा सॉल्युबिलिटी है, इलेक्ट्रोवेलेंट भी बोलते हैं आयनिक कंपाउंड को, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। जनरली वाटर में सॉल्युबल है, जनरली वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, और पेट्रोल, कैरोसिन और एल्कोहल में इनसॉल्युबल। याद रखना सॉल्युबिलिटी के बारे में कि जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में तो सॉल्युबल हैं, पर अल्कोहल में, पेट्रोल में, कैरोसिन में, इन सब में इनसॉल्युबल, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के लिए वाई नहीं पूछेगा, उसका रीजन नहीं पूछेगा। अब बात आती है कि वाई आयनिक कंपाउंड्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वाई आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट्स ओनली। तो जो तुम्हारे आयनिक कंपाउंड है बेटा ना, जैसे सोडियम क्लोराइड, अभी सोडियम क्लोराइड को वायर की जगह एक लाइन में बनाकर रख दो, वो बिजली कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसी को पानी में डाल के मॉल्टन फॉर्म में लोगे तो वो करंट कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो अपनी सिर्फ और सिर्फ मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज इन द मॉल्टन स्टेट द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। क्या होता है, मॉल्टन स्टेट में जो, क्योंकि पिघला दिया है ना अपने, इनको पिघला दिया,
तो मॉल्टन स्टेट में क्या होगा, जो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में, वो खत्म हो जाता है हीट की वजह से, आपने पिघला दिया, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो खत्म हो गया, अब ये आराम से हिल डुल सकते हैं, ठीक है, चल फिर सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर सकते हैं, तो भैया इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को तो ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, तो आसानी से, ठीक है, आयंस जब मूव करने लगते हैं, सॉरी आयंस आयंस सॉरी आयंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ आयंस है क्योंकि मॉल्टन स्टेट लिया है ना, लिक्विड लिया इलेक्ट्रोलाइट, तो इजीली जो है आयंस मूव कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि भैया अब जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, वो तो ओवरकम हो चुका है, खत्म हो चुका है, जब वो खत्म हो जाएगा तो वो आसानी से इधर हिल डुल सकते हैं सारे आयंस, यानी आयंस में डिसोसिएट हो चुका है, पर्टिकुलरली वो आपका आयनिक कंपाउंड दोबारा से आयन में टूट गया, और जब आयन में टूट चुका है यानी आयंस मूव कर रहे हैं, और मूवमेंट ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसी वजह से जब आयन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो सिर्फ मॉल्टन स्टेट में ही तो मूव करेंगे, खाली जो नॉर्मल सॉलिड स्टेट में नमक है वो मूव कर सकता है क्या, उसके आयन नहीं मूव कर सकते, लेकिन पिघला दोगे तो मूव कर सकते हैं, आप जब आयंस मूव करेंगे तो करंट भी कंडक्ट होगा। तो अब सवाल ये आता है कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते आयनिक कंपाउंड, तो देखो इसके पीछे रीजन ये है कि भैया सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो जैसे ही कोई आयन पॉजिटिव वाला मूव करने की कोशिश करता है नेगेटिव उसको बोलता है कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, जाना नहीं जाना नहीं, नेगेटिव वाला जाने की कोशिश करता है तो पॉजिटिव वाला बोलता है कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, रुक रुक, एक धक्का मुक्की चलती रहती है, खिचम खिचाओ, जिसकी वजह से ये मूव ही नहीं कर पाते हैं, और जैसे ही इनको धर के पिघला देते हैं आग लगा देते हैं फिर दोनों भाग जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात, वो देखा ना जब क्लास व्लास में कहीं पे भी लड़ाई हो रही होती है खींचा खाची, तो उनको बोलो अरे अरे कोई जैसे तुम्हारा ही कोई दोस्त बोले ओए ओए मत कर मत कर मत कर, मैडम को शिकायत कर देगा, मैडम को तुम्हें जाने नहीं शिकायत करने देना, और फिर जैसे ही मैडम आ जाती है वैसे ही वो भी छोड़ देता है जिसने पकड़ रखा था, और जो जिसको पकड़ रखा था वो भी, दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं, तो सेम इनका भी यही है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में तो ये एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कहीं जाने ही नहीं देते हैं, जैसे ही आग रख के इनको पिघला दिया फिर इनके बीच का जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था तब सब खत्म, आग लगाने से तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है ना, तो ये भी खत्म हो जाता है, ठीक है, और फिर ये दौड़ने फिरने लगते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं कि करंट कंडक्ट हो रहा है ओनली मॉल्टन स्टेट में। फिर आपका पेज नंबर 49 है, तो पेज नंबर 49 पे बोला है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सोडियम का ऑक्सीजन का मैग्नीशियम का, तो सोडियम 281 सोडियम एटम के पास, ये जो लेफ्ट साइड में लिखे है वो एटम है, तो सोडियम एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 281 आउटर मोस्ट में बन है यूज कर देता है तो Na प्लस बन जाता है, ठीक है, और उसका आउटर मोस्ट 2.8 बन जाते हैं, मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉन्फिग्रेशन करोगे 282 कॉन्फिग्रेशन में 282, तो आउटर मोस्ट में 8 को पूरा करने के लिए दो लूज करना इजी है, तो वो अपने दो लूज कर देता है और Mg2+ बन जाता है, ऑक्सीजन 2.6 ऑक्सीजन का क्या केस है 2.6, ठीक है, तो ऑक्सीजन का केस है हमारा बेटा 2.6, तो छह है उसके पास, आठ को पूरा करने के लिए दो पहले से ही लेके बैठा हुआ है, तो जैसे ही वो दो गेन कर लेता है तो ओ टू माइनस बन जाता है और उसके आउटर मोस्ट में एट होता है। फिर आपको बोल रहा है इसी के सेकंड पार्ट में बोला हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कि ना कि आपको सोडियम ऑक्साइड बना के दिखाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, तो सोडियम ऑक्साइड में भैया दो सोडियम की जरूरत, फॉर्मूला पता है ना सोडियम ऑक्साइड का होता है Na2O, क्यों होता है तो पता है ना, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Na2O बन जाता है, मतलब दो सोडियम चाहिए होंगे और एक ऑक्सीजन, तो होता क्या है एक सोडियम आया उसके पास एक फालतू था, ऑक्सीजन के पास गया मेरा एक इलेक्ट्रॉन रख लो, तो ऑक्सीजन बोलता है पागल है क्या, दो की कमी है एक नहीं रखना एक और लेके आ, तो फिर दूसरा सोडियम और आता है वो भी कहता है मेरा एक रख लो,
दोनों सोडियम क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और दोनों लूज किए इलेक्ट्रॉन को कौन रख लेता है, ऑक्सीजन रख लेता है। ऑक्सीजन के पहले, ऑक्सीजन के पहले देखो पास में कितने क्रॉस थे, 1 2 3 4 5 6 छह क्रॉस थे। ऊपर वाले सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, नीचे वाले सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब देखो यहाँ पे छह तो काले वाले, दो लाल वाले, टोटल आठ हो गए, तो दो इलेक्ट्रॉन गेन किए ना, तो 2-, और इसने एक सोडियम ने एक लूज किया तो +1 +1, और सोडियम कितने गए हैं रिएक्ट होने, दो, तो पूरे Na+ के ऊपर दो, Na+ के ऊपर 2 लगेगा, क्योंकि दो सोडियम मिलकर एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और तो सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये तुम्हारा क्या बन गया भैया, सोडियम ऑक्साइड। फिर मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के पास दो फालतू और ऑक्सीजन के पास दो की कमी। मैग्नीशियम अपने दो लूज करता है तो Mg2+ बन जाता है, ऑक्सीजन दो गेन करता है तो 2- बन जाता है, O2- बन जाता है, और मिलकर ये MgO ही बनते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के पास दो फालतू थे, ऑक्सीजन के पास दो की कमी थी, तो कोई कहीं जा नहीं रहा, कोई कहीं आ नहीं रहा, बस ये आपस में ही इनका गिव एंड टेक चल रहा और बन गया इनका MgO। ठीक है, सो दैट्स ऑल। ठीक है, तो बेटा एज पर योर सिलेबस हाफ ईयरली के अभी इतना ही आ रहा है, तो मैं आज, ठीक है, कुछ स्कूल्स का इतना ही आ रहा है, तो आज की क्लास में यही कंक्लूड करता हूँ, और फिर जो अकरेंस ऑफ मेटल्स वगैरह है जो है वो हमारे केवी के स्कूल में आ रहा है, तो केवी वालों को मैं फिर ये आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए ये वाला तो हमारा यहीं तक है। ठीक है, चलो।